त्रिलोचन दी घरवाली संतान नाल झगड़ दिए, त्रिलोचन नाल भी झगड़ दिए, रब की भी निंदा कर दिए। त्रिलोचन नू कहना पे नारायण निंदस काए पोली गवारी, दुखरत सुखरत थारो करमरी। ये दुख सुख तेरे कर्मा का फल है, रब नू क्यों बन दी है, संतां दी क्यों निंदा कर दी है। करदी सी, रज के करदी सी, उनू सत्संग नहीं चंगा लगता सी, घर दे च आए हुए संत प्राउणे भी चंगे नहीं लगते सन, निंदा करदी सी। और इथे तक एक दिन कह बैठी, जे मेरे दुखा नू रब कट नहीं सकदा ते उस रब की पूजा करन दी लोड़ की है, थानू उसका नाम जपन की लोड़ की है। तो त्रिलोचन इसी शब्द च अपनी घरवाली नू मुखातब करदे होए कहिंदे ने, पूर्वलो कृत कर्म न मिटेरी घर गहन, घर गहन घर ग्रहण घरवाली। सीधा घरवाली नू मुखातब पे करदे ने ये शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का, पूर्वलो कृत कर्म न मिटेरी घर गहन कांचे मो जापी अरे राम चे नाम। इस वास्ते मैं राम का नाम जपदा, पूर्वला कीता कर्म नहीं मिटदा, भोगना पैंदा, भोग के ही मिटदा, इंज नहीं मिटदा। कर्म फिलोसफी दी विचारा किसी वक्त फिर आप जी के सामने, इस वक्त जो मूल मुद्दा थोड़े सामने चल रहा है इसकी वजाहत करिए। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अमृत पान कराया और खालसा बना के झोली विच पाईया पंज बाणियां ते पंज ककार। पंज बाणियां दी वजाहत मैं आप जी के सामने करनी है, पहले फिर पंज ककार, फिर जे रुचि बनी पंज ज्ञान इंद्रे पंज कर्म इंद्रे, पंज मूल विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन्हां दी वजाहत जिस गुरबाणी खुलासा कर दिए तो उस बुद्धि अनुसार आप जी के सामने रखने की कोशिश करांगे। इस वक्त पंज बाणियां, पंज बाणियां ये ने जप जाप सवैये चौपई आनंद सार, ये खालसे की झोली च पाया। अखीरली बाणी आनंद शुरुआत जप, मनुख दे प्राणा दे जिहड़ी प्यास है वह आनंद दी है। मनुख नू आनंद चाहिदा है, हर कीमत ते चाहिदा है और हर वक्त चाहिदा है। ते हुण मैं ए वी अर्ज करा, सुख ते आनंद दे च फर्क है। सुख परिवार तो भी मिल सकदा है, आनंद ते केवल निरंकार तो मिलदा है, परिवार तो नहीं मिलदा। सुख धन तो भी मिल सकदा है, आनंद केवल धर्म तो मिलेगा, धन तो नहीं मिलेगा। सुख पदार्थां तो भी मिल सकता है, पर आनंद ते केवल परमात्मा तो ही मिलेगा, पदार्थां तो नहीं मिलेगा। बगौर मुताला करना, सुख अलग चीज है, आनंद अलग चीज है। आनंद सीधा परमात्मा तो मिलता है, इस वास्ते आनंद दे विपरीत कोई दूसरी अवस्था नहीं है। पर सुख पदार्थां तो मिलता है, परिवार तो मिलता है, धन संपदा तो मिलता है, इस वास्ते सुख के मुकाबले ते दुख है। जिस को सुख मिलता है किसी वक्त दुख भी मिलता है। सुख कल्ला नहीं है, सुख के मुकाबले ते दुख है। कोई ऐसा सुख नहीं जिसके पीछे दुख नहीं खड़ा। आनंद दुख सुख तो उच्ची अवस्था है, दुख भी थले रह जाते हैं, सुख भी थले रह जाते हैं। यह भी मैं अर्ज कर दिया, सुख दुख ये दोवें कट्ठे जुड़े हुए हैं। जे जन्म है तो जन्म नाल मरण है, जे जवानी है तो ये बुढ़ेपा जुड़िया हुआ है, जे खुशियां हैं तो ये गम जुड़िया हुआ है, जे तंदुरुस्ती है तो ये पिछे बीमारी खड़ी है, जे इज्जत है तो बेइज्जती भी दस्तक देती रही है। यह भी मैं अर्ज कर दिया, जिन्हां दे आले दुआले जिंदाबाद दे नारे लगदे ने मुर्दाबाद उही सुनदे ने, और कौन सुनदे ने, जो जमया ही नहीं मरेगा की खाक। जगत दो रंगी है, जगत विच कल्ला कुछ भी नहीं है, सुंदरता है करूपता है, जन्म है मरण है, नफा है नुकसान है, इज्जत है बेइज्जती है, हासे ने रोने ने, कल्ला कुछ भी नहीं है। सुख जगत तो मिलता है, दुख भी जगत तो मिलता है। सुख परिवार तो मिलता है, दुख भी परिवार तो मिलता है। सुख धन तो मिलता है, यकीन जानो दुख भी धन तो मिलता है।
एक रब्बी नहीं हम, कोई धन करके दुराचारी हो गया, शराबी हो गया, धन तो बिना ते शराब नहीं आएगी, धन तो बिना ते भिखारी नहीं हो सकेगा, धन ने गिरा देता है, और सिवाय दुखां तो इसकी झोली च और कुछ नहीं पैना। आखिर शराब की है, मिठे दा सत, मिठे दा तत, जिमें बदाम है ते बदाम दा रोगन, जैसे तिल है ते तिल दा तेल, इस तरह मिठा ते मिठे दा जो सत है, तत है, वह शराब है। एक बोतल जो शराब किसी ने पी ली तो घट तो घट एक किलो मिठा ते उसके अंदर गया ना, इतना मिठा जो हुण अंदर जा रहा है ये तंदुरुस्त रह सकेगा? कुछ ना कुछ ते शरीर च बिगाड़ पैदा होगा, कुछ ना कुछ ते अनर्थ होगा। ते फिर यह शराब अचेत कर दी है, जबकि धर्म कहिंदा तू सुचेत हो, सावधान हो, अपने होश नूं वधा। तो मुख्तसर मैं अर्ज करा, धन तो सुख मिलता है, धन तो दुख भी मिलता है। जे शरीर का जन्म सुख है तो मरण का दुख कौन भोगेगा? वह भी नाल जुड़े है। आनंद केवल परमात्मा तो आता है, आनंद के विपरीत कोई दूसरी अवस्था नहीं। जब आनंद मिलता है तो ऐसे मनुख ले दुख दुख नहीं रह जाता, सुख सुख नहीं रह जाता, यह दुख सुख तो उच्चा उठ जाता है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भय नहीं जाके कंचन माटी माने। यह सुख दुख तो उच्चा उठ जाता है। स्वर्ग नरक ते मैं रहो, सतगुरु के प्रसाद चरण कमल की मौज में रहो अंत अर आद। कबीर कहते ने स्वर्गा तो मैं बच गया, नरका तो भी बच गया, हद हो गई। स्वर्ग नरक ते मैं रहो, नरक दुख, कुंभी नरक बहुत ही दुख। नरक ते स्वर्ग जमीन ते होंदे ने, इतनी मैं अर्ज कर दिया। स्वर्ग दे अखरी अर्थ ने स्वय वर्ग, अपने वर्गा भर वर्ग, कुछ भी ओपरा नहीं, कुछ भी बेगाना नहीं। और कहिंदे ने स्वर्ग दा राजा इंद्र है, वाकई इंद्र है। स्वय वर्ग अपना वर्गा वर्ग, जो अखां मंगदियां ने वो है, जो जबान मंगदी है वो है, जो कन मंगदे ने वो है, जो खलड़ी मंगदी वो हैगा, जो नासका मंगदी है वो है। इंद्रिया की चाहत पूरी हो सके, सब कुछ मौजूद है। इत इंद्र, इत स्वर्ग का राजा। जिस गल असी सीधा ना समझिए, वह फिर कहानियां बना के समझाने की अक्सर कोशिश की गई है धार्मिक दुनिया च, मजबूरन है। जैसे चित्र गुप्त, हम चित्र गुप्त के अखरी अर्थ की ने? ओ चित्र जड़ा गुप्त है, नहीं दिखाई देता। मैं थानू देख लिया, तुसी मैनू देख लिया, प्रगट चित्र है, पर मैनू की पता थोड़े मन विच की पिया चलता है, ते थानू की पता मैं की सोच रहा, मेरे विचार की ने, मेरा स्वभाव की है? ये चित्र गुप्त है, नहीं दिखाई देता, कुछ नहीं पता चलता। भरा भी नहीं पता चलता कि भरा की सोच रहे, ये की विचार ने। चित्र गुप्त, मनुख की पहुंच नहीं है उत्थे तक। प्यो भी नहीं पता कि पुत्र का चित्र गुप्त की है, पति नहीं पता कि पत्नी का चित्र गुप्त की है, और पत्नी भी कतई नहीं पता कि पति का चित्र गुप्त की है। नाम ही बड़ा सोहना देता है, भारत के प्राचीन ऋषि मुनिया ने चित्र गुप्त, वो तस्वीर जिहड़ी गुप्त है नहीं दिखाई देती, जिथों तक नहीं पहुंच। और चंगा कीता ईश्वर ने पर्दा पाया है उस चित्र ते मन ते। क्यों? ऐसा कीड़ा मन है जिहदे अंदर किसे वक्त गलत फुरने नहीं चलते, ऐसा कीड़ा चित है जिहड़ा किसे वक्त गलत यादां दे च नहीं बैठा हुंदा, गुस्ताखी मां, ऐसा कीड़ा मन है जिहदे अंदर किसे वक्त गलत विचार नहीं चलते। क्योंकि दूजियां नूं पता चल जाए तो रिश्ते रहणगे, संबंध रहेगा, क्या मित्रता रहेगी, क्या प्यो पुत्र का रिश्ता रहेगा, क्या पति ते पत्नी दे रिश्ते रहेंगे, क्या भरावां दे रिश्ते रहेंगे, सब टूट जाएंगे। अगले ने कहना, ले तेरे इतने गंदे विचार, तू ऐसा भी सोच रहा है, तू ऐसा भी याद कर रहा है। इस सब कुछ दे उत्ते पर्दा पिया है, मैं किस दी याद च बैठा, किसे नूं कुछ नहीं पता, मैं की सोच रहा किसे नूं कुछ नहीं पता, अंदर की विचार चल रहे ने किसे नूं कुछ नहीं पता। हां,
इस चित्र गुपत नूं मनुख खुद वेख सकदा है या परमात्मा वेखदा है, यह भी मैं अर्ज कर रहा। इंज कह लो परमात्मा वेखदा ही चित्र गुपत है, प्रगट चित्र नहीं वेखदा, यह भी मैं अर्ज कर रहा। बाहरों हुण किसी ने मत्था टेकया, प्रगट चित्र करके मत्था टेकया, ते अंदरों मन नहीं चुकया। सतगुरु कहिंदे ने सीस निवाईए क्या थीए, जां हृदय कुसुदे जाए। मन ते तेरा चुकया नहीं, तू मत्था ते टेकया नहीं। इस तरह का मत्था एक दफा नहीं सौ दफा भी टेकते की होना, कुछ भी नहीं होना। टेकदिया टेकदिया कई खप गए, गुस्ताखी माफ। अपराधी दूणा निवे ज्यो हंता मिर गाय, शीस निवाईए क्या थीए, जां हृदय कुसुदे जाए।